ब्लॉग में डालना है मैंने। हाँ, तो इनको ना आंटी जी आपका डालना है उसमें जो ब्लॉग बना रहे हैं। अच्छा तो रविंदर भाई बता भाई तुम्हें कैसा लग रहा है फिर आपके जाने के बाद ही आज लड़ाई होगी किसकी किसके लास्ट दिन यहाँ पे और अभी प्लान है सॉरी अभी प्लान है प्लान था कुछ और पर कल इलेक्शंस है यहाँ पे जम्मू में तो इस वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया तो अभी है मतलब डिनर का तो अभी शरीफों वाला हम वो करेंगे तो अभी वे मैं वेट कर रहा हूँ अपनी टीम का वो आ रहे हैं और बाकी फ्रेंड्स अभी निकल गए तो मैं कहा चलो डिनर करते हैं लास्ट टाइम सभी के साथ यहाँ पर तो ये आ गया भाई रविंदर रामबन से और ये आ गया भाई हर्ष और अरुण और इनमें से रोहित ना भी आज एब्सेंट था तो उसके फादर की तबीयत ख़राब थी तो इसलिए वो घर चला गया था और ये हम सभी जा रहे हैं अभी डिनर करने ये प्लेटफॉर्म और यहाँ पे हम कर रहे हैं डिनर ये बैठे हैं ये तीनों है ना और एक हमारे सरदार जी रजिंदर भाई ये है अभी यहाँ पे फ़ोन में बिजी और यहाँ पे थोड़ा सा अपना चल रहा था मतलब दूसरा वाला प्रोग्राम तो आप समझ ही गए होंगे तो लास्ट मोमेंट आज अपडेट आपके लिए है कि आज है मेरा जम्मू में आखिरी दिन और अभी चल रही है पैकिंग तो सामान सामान अभी बिखरा हुआ है सारा दूसरे रूम में भी अभी सारा मतलब अभी है ना क्लोजिंग अभी चल रही है तो जैसे मैंने बताया आज मेरा जम्मू में आखिरी दिन और एक साल पिछले साल 18 अक्टूबर को मैं आया था जम्मू और आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर मतलब ऑलमोस्ट आई हैव स्पेंट 1 ईयर हेयर तो नाउ इट्स टाइम टू मूव टू सम न्यू प्लेस विद सम न्यू पीपल वो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द तो अभी काम है बहुत सारा अभी तो अभी बज रहे हैं घड़ी के 9 और 11 बजे बुलाई है मैंने गाड़ी तो मेरे को सारा सामान अभी पैक शैक करके बाहर निकालना है गाड़ी में लोड करना है उसके लिए मैंने बुलाया हुआ है अपना एक मेंबर रविंदर को बुलाया हुआ थोड़ी सी हेल्प के लिए और थर्ड को है मेरी ज्वाइनिंग तो चलिए अभी करते हैं पैकिंग और बताते हैं आपको कि नेक्स्ट मेरी डेस्टिनेशन कौन सी है तब तक बने रहिएगा ब्लॉग में तो ये पैकिंग करना ना और वो भी खासकर अकेले और वो भी है ना कोई फीमेल साथ में ना हो तो भाई बहुत इरिटेटिंग होता है और हर बार जब भी होता है ना ऑलमोस्ट यानी हर बार मुझे अकेले ही करना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा कर करके ना भाई यानी हो ही जाता है इकट्ठा और ये गाड़ी में कर रहे हैं सामान अनलोड गाड़ी मैंने पहले निकालनी थी क्योंकि मेरे अपने व्हीकल भी यहाँ पर था ना गाड़ी तो मैंने आना पीछे से कार से तो मैंने कहा चलो पहले टेम्पू लोड करके भेज देते हैं तो भाई सामान ना मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ कि अननेसेसरी चीज़ें कभी इकट्ठे ना करूँ मैं भी अभी हो चुकी है यहाँ से ना सारे सामान की क्लोजिंग और मेरी हेल्प करने आया है रविंदर तो सामान हमने सारा भेज दिया हुआ है पूरा रूम खाली और किचन भी पूरा साफ़ सफाई करके और रूम आप पूरा देख सकते हैं पूरा खाली हो चुका है बस 2-3 बैग बचे हुए हैं तो अभी जा रहे हैं नीचे आंटी के पास लंच करने और आंटी को भी कहेंगे हम अलविदा तो चले अभी लंच करने चलते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे चल आ गए तो यहाँ पे आंटी ने कर लिया लंच का प्रोग्राम हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया रहा बहुत ही टेस्टी खाना था लास्ट टाइम आंटी के हाथों का बना हुआ खाना मैंने कर ली तैयारी जाने की पूरा तैयार हो गया पर फिर देखा मैं अपनी आद्या का फोटो तो यहीं रह गया मेरे लाडो रानी का तो ये मेरी आद्या का फोटो यहीं लगा रह गया और लास्ट मोमेंट में मेरे को ध्यान आया कि भाई जहाँ पे भी जाता हूँ ना आद्या मेरे साथ में जाती है तो ये मैं कैसे भूल सकता था तो लास्ट मोमेंट ठीक है अभी शुक्र है याद आ गया इसको रोल करके मैं निकल गया ये सारी ठीक है जो सामान था हेडरेस्ट तो भी वैसे दोनों सारा सामान मैंने भेज दिया था पर फिर भी तसल्ली नहीं होती ना दिल को तो दोबारा मैं वापस आया सामान कोई छूट तो नहीं गया रूम पे देखने और रूम मैंने बिल्कुल साफ़ सफाई की थी क्योंकि भाई एक साल मैं यहाँ पे रहा ना और आंटी ने बिल्कुल यानी घर वाली फील मुझे दी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं रेंट पे रह रहा हूँ है ना कभी भी यानी हेल्प के लिए कभी खाना यानी मैं लेट हो गया तो खाना देना है पूछना है आंटी ने तो बहुत ही बढ़िया टाइम मेरा यहाँ पर रहा और आंटी और राजन जो आंटी का बेटा है पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्ट यहाँ पर रहा तो अभी समय आ गया तो उनको भी अलविदा कहने का सोचो चलो भाई उनको भी बाय बाय कहते हो चलो आपको भी मिलाता हूँ अपने आंटी से पहले ब्लॉग में डालना है मैंने किसका आंटी जी आपका डालना है उसमें जो ब्लॉग बना रहा है अच्छा अब आप बताओ ना एक साल में यहाँ पे आपको कैसा लगा कोई शिकायत मेरी नहीं नहीं कोई शिकायत बढ़िया रहा सर हाँ बहुत अच्छा था घर की बात है अपने बच्चों की तरह है हाँ जी हाँ जी और हमने कौन सा ऐसे कुछ चलो ठीक है आंटी जी फिर आना
ध्यान रखना आप भी अपना। आऊँगा कभी तो जरूर आऊँगा, इस तरफ है ना। ठीक है राजा, फोटो लूँगा आपके साथ भी। चलो भी तो वापस चलते हैं, अभी आंटी जी से भी हो गया मिलना। रविंदर को भी इंतज़ार कराया हुआ मैंने आज पूरा। चल आज अभी तक को छोड़ के आता हूँ। तो ये अभी हम निकल पड़े कठुआ से और रविंदर हमें जो साथ में अभी कह दिया हमने अलविदा कठुआ को आज। तो रविंदर भाई बता भाई तुम्हें कैसा लग रहा है फिर? कितने महीने हुए सर? 4 months हुए। 4 months हुए रविंदर को भी मेरे साथ, है ना। बहुत ही डेडिकेटेड है ये काम के लिए, जो भी काम देना इसको वो अच्छे से सीखता ही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता भी है। तो इन फ्यूचर वही है, कोशिश करेंगे रविंदर को साथ में दोबारा से काम करने का मौका मिले हमें, है ना। तो पहले ये है कि अपना काम अच्छे से लाइए, अभी एक्सपीरियंस लो, उसके बाद मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए। और कभी ये आया रविंद्र स्टेशन, चलो भाई चल ठीक है फिर, बाय। चलो भाई तो बाय बाय कठुआ, इट्स नाउ टाइम फॉर द न्यू लाइफ, न्यू चैलेंजेस, न्यू प्लेस विद न्यू पीपल। मिलते हैं अभी नई जगह पे, तो इसी रात हम करते हैं अलविदा भी कठुआ को। अभी आपको दिखाता हूँ पर अपनी कंपनी उसकी एक जगह का आपको दिखाता हूँ, वेयर आई वॉज वर्किंग। ये आ रहा है अरुण, तो ये है कठुआ का इंडस्ट्रियल एरिया, आपको दिखा दूँ यहाँ पर थोड़ा सा भी आपको अपनी कंपनी का मैं बताऊँगा। तो ये आ गया अरुण भी। हाँ भाई कैसा चल रहा है फिर? आपके जाने के बाद ही आज लड़ाई हो गई। किसकी? किसके? ये दूसरी तो रहने दे, ब्लैक नहीं चाहिए मेरे को। ये भी ले ले। ना ना राइनेक वालों की हो गई आज। किसके साथ? आपस में ही। हाँ आपस में ही हो गई उनकी। सर सुर फाड़ दिया एक का यहाँ से एक यहाँ से। लेबर का ही आपस में? यस सर, दो टीमें नहीं है आपस में ही ऐसे लड़ पड़े। कब? सुबह? हाँ 11 बजे। तो ये भी आपने पहले भी देखा होगा, ये अरुण अभी एक रविंदर था जो हेल्प की जिससे मेरी, अभी ये ऑफिस में थे तो अभी एक गॉगल लेके आया मैं। और ये भी मतलब काम के मामले में काफ़ी डेडिकेटेड है लड़का, ये भी मेहनती है। तो मिलेंगे अभी दोबारा से। हाँ जी सर, है ना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। फ्यूचर के लिए चल ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना, ओके। आज फाइनली आपको दिखाता हूँ ना जहाँ पे मेरा अभी एक साल यहाँ पे बीता हुआ है कंपनी के, आपको झलक बताता हूँ। जो भाई ये जैसे मैंने बताया था, ये बन रहा है एक्सप्रेस हाईवे, ठीक है, कटड़ा अमृतसर दिल्ली वाला। और ठीक है, इसके पीछे आप पूरा ये जो शेड देख रहे हो ना, ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, ये है ना, ये सारा पूरा ये हमारी कंपनी है। मतलब जैसे कंधारी बेवरेजेस का सबसे बड़ा ये यूनिट है, मतलब दे आर द बॉटल्स ऑफ द कोका कोला। यहाँ मतलब कोका कोला के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे बनेंगे, है ना। और एक कठुआ में इनका पहला यूनिट है और अब तक का सबसे बड़ा। और जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल ये जैसे एक न्यूली अलॉट हुआ था ये इंडस्ट्रियल एरिया। और सिंस फर्स्ट डे मैं यहाँ पे था तो मैंने पूरा ये स्ट्रक्चर अपनी आँखों के सामने बनता हुआ देखा है। एंड यू नो वो आई वॉज अ पार्ट, है ना, कि जो सारा सामने सामने हुआ। तो अभी आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये शेड बना हुआ है। ये हमारा मेन यहाँ पे इस आरसीसी बिल्डिंग है, इसके पीछे अपना
मेन शेड रहेगा और ये आरपेट एरिया है और बाकी ये सारा ये है हमारा और बाकी कुछ और इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे आ रही हैं पीछे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये था मेरा एक साल की जर्नी जहाँ पे मैंने बिताई। जब मैं फ़र्स्ट डे, मेरे को अभी भी याद है, जब मैं फ़र्स्ट डे आ रहा था बिल्कुल ग्राउंड था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल समतल। और अब देखिए कि कितना, यानी विद इन अ ईयर ये सारा बन के तैयार है और इतना बड़ा ये शायद बिल्डिंग ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुकी है। प्रोडक्शन विद इन 4 or 5 months यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा एंड आई एम रियली गोना मिस दिस प्लेस। और ज़रूर इन फ्यूचर कभी भी वैष्णो देवी जम्मू आऊँगा तो यहाँ से होके ज़रूर प्लांट का राउंड लूँगा। और चलिए तो इसी के साथ करते हैं अलविदा कठुआ को, कहते हैं अलविदा कठुआ को, और अब मिलते हैं नई जगह पे। तब तक परमार साहब व्लॉग्स को दीजिए इजाज़त और यूँ ही व्लॉग्स पर अपना प्यार देते रहिए और वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए शुक्रिया और जय देवा।